नमस्कार, आई एम डॉक्टर ईशा जैन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस सिंपल कोर्स शीट इन दिस वीडियो। बेसिकली हमारे पास कोर्स शीट में तीन तरह की कोर्स शीट्स बनती हैं, सिंपल कोर्स शीट, कंपैरेटिव कोर्स शीट एंड कोर्स शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल कोर्स शीट की कि कैसे बनती है। मैंने अभी आपको ये एक मोटा मोटा फॉर्मेट दिया है, स्पेसिमेन दिया है, कोर्स शीट हम कैसे बनाते हैं, इसके प्रैक्टिकल्स हम बाद में बिल्कुल करेंगे दूसरी वीडियो में। पहले आप इसके स्पेसिमेन को समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कोर्स शीट दी हुई है फॉर द मंथ ऑन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मंथ बात करते हैं अप्रैल की, और अप्रैल अभी चल रहा है तो चलो हम मार्च की बात करते हैं। मार्च 2020 की अगर हम बात करते हैं, सपोज करो हमारे यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारी जो है 1000 यूनिट्स है। क्लियर, द आउटपुट इज 1000 यूनिट्स हियर। तो हम कैसे अपनी कोस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास यहाँ तीन कॉलम्स बनते हैं, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर, ये हमारी हेडिंग्स है डिफरेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया जब हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को डिटेल में किया था कि ये जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हर तरह के, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू प्राइम कॉस्ट। जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो हमारी जो सीक्वेंस होगी, पहले हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। दीज आर बेसिकली द कॉम्पोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड्स इंक्लूड करते हैं, जो अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि कौन कौन सी आइटम्स उसमें आती हैं डिटेल में, तो ये हमारा हो जाता है फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करते ही हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट। देन वी हैव टू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विच विल कम आउट टू टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देन वी ऐड प्रॉफिट हेयर। इट कैन बी मे बी द परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट और सेल्स, एंड देन फाइनली वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल और मटेरियल कंज्यूम्ड की। सपोज करो हमारा 10,000 का हमने मटेरियल जो है कंज्यूम किया, लेट अस मेक इट 1 लाख। डायरेक्ट लेबर जो हमने यहाँ पे पे की, सपोज करो वो हमने पे करी 30,000 की। अदर एक्सपेंसेस जो इसमें हमारे हुए हैं वो 40,000 के हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, दिस इज द सम ऑफ ये जो हमारी ऊपर की तीनों कॉस्ट है, ये हमारी इसमें आ जाएंगी। सो दिस इज प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, फॉर एग्जांपल इफ वी इनकर द फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 120,000 हियर फॉर एग्जांपल, देन अवर फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट विल बी प्राइम कॉस्ट प्लस जो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। सो इट विल कम टू 2,90,000। देन ऑफिस ओवरहेड्स सपोज करो 50,000 है हमारे, सो अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स विच कम्स टू हेयर 3,40,000। सपोज अवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिज इज 1,20,000 इन विच वी हैव डन ऑल द मार्केटिंग, प्रमोशन, ट्रेड फेयर, देन ऑल द फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन और एवरीथिंग वी हैव डन हेयर। सो आफ्टर दिस अवर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम्स आउट टू बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी आर चार्जिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टोटल कॉस्ट। सपोज अवर मार्जिन इज 10% ऑन टोटल कॉस्ट, सो इन दैट केस हाउ वी विल कैलकुलेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10%। So it will give us the exact 10%, and then our selling price can be 4,60,000 plus 46,000, which is profit margin. So this is our selling price. Now for this column cost per unit, we simply put divide our total cost by number of units. For example, here the total output is 1000 units. So how we will divide? We will simply divide 1 lakh divided by cost of units. So ये formula हम drag कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। So here our prime cost is 170 per unit, factory cost is 290 per unit, cost of production is 340 per unit, total cost is 460, and our selling price is 506 rupees per unit. So this is the way how to calculate and how to show the simple cost sheet. So guys, if you have any query, please
please do write in the comment section. I will definitely reply. Thank you.